नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। कार्तिक आर्यन को 14th इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये इवेंट ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के आर्ट सेंटर के हैमर हॉल में 11 से 20 अगस्त के बीच होगा। कार्तिक आर्यन को फिल्म फेस्टिवल के पहले दिन ही रात के शो में अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। कार्तिक को इंडियन सिनेमा में उनकी कंट्रीब्यूशन और वर्ल्ड सिनेमा पर उनके कंट्रीब्यूशन के इम्पैक्ट के लिए अवार्ड दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया की गवर्नर लिंडा डेसेव कार्तिक आर्यन को सम्मानित करेंगी। इस बारे में बात करते हुए कार्तिक आर्यन ने कहा कि वो विक्टोरियन सरकार के इस फैसले के लिए उनके शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा, मुझे बेहद खुशी है कि अब तक इंडियन सिनेमा में मैंने जो भी काम किया है उससे सम्मान मिलने जा रहा है। मैंने हमेशा स्टोरी लिंक की पावर पर भरोसा किया है और इस पर काम करता आया हूँ। मैं मानता हूँ कि फिल्में न सिर्फ हमारे दिलों को छूती है बल्कि हमारे दिमाग और सोचने की क्षमता पर भी गहरा असर डालती है। मैं इस फेस्टिवल में शामिल होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। फिल्म फेस्टिवल में 20 अलग अलग भाषाओं में करीब 100 फिल्मों की स्क्रीनिंग भी की जाएगी। इस दौरान कार्तिक आर्यन की फिल्म सत्यप्रेम की कथा और भूलभुलैया 2 की स्क्रीनिंग भी की जाएगी। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।